बातों से आपको छुटकारा पाना है तो अपना राज बनाना होगा, कमल का फूल खिलाना होगा, कर्नल साहब को भारी मतों से जिताकर यहाँ विधानसभा में भेजने का काम करना होगा। ज्यादा ना बोलते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठा है, आपने अपने छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया, स्वागत किया, पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगा जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी से, जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें डॉक्टर निर्मल सिंह जी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों, मैं कश्मीर से आया हूँ, कुछ नारे लगाऊंगा। ओ भैया मोबाइल जी, ये आवाज कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। कर्नल साहब ने राजस्थान पगड़ी राजस्थानी साफा मेरे सर पर बांध के भारत का जो मुकुट बनी है उसको एक संदेश देने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इस पगड़ी की आप इज्जत रखेंगे लेकिन संदेश भी देंगे। मैं नारा लगाऊंगा, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जब कश्मीर हमारा है, मैं पीओके की बात कर रहा हूं, जो हमारा कश्मीर है वो तो है ही है। मैं पीओजेके की बात कर रहा हूँ, जहाँ नारे लग रहे हैं हम भारत में जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी के भारत में जाएंगे, इस प्रकार के नारे लग रहे हैं। यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। यहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, वो सारा का सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर के ऊपर जब हम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का नामांकन भरने जा रहे हैं, इस सभा में विशेष तौर पर भारत के सबसे बड़े प्रदेश, वहां के उप मुख्यमंत्री, जैसे राजेश जी कह रहे थे कि आपके नेतृत्व में यूपी में सरकार बनी और जिसका एक संदेश पूरे भारत में है, पूरी दुनिया में, ऐसे हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमारे साथी, मैंने मुझे भी मौका मिला इनके साथ कई बैठकों में रहने का जब मैं उप मुख्यमंत्री था, ऐसे मेरे भाई केशवपाल प्रसाद मौर्य जी, आपके इस जोटवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध जो ओलंपियन है, बहुत बड़े नाम जीते हैं, अगर राजस्थान को महाराणा प्रताप और बाकी जो नाम है, बड़े बड़े नाम राणा सांगा के बाद अगर पूरी दुनिया में विख्यात किया है और तीरंदाजी से किया है, ऐसे राज्यवर्धन राठौर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, वो आपके प्रत्याशी हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। शूटिंग, शूटिंग, शूटिंग से किया। हमारे बहुत ही ऊर्जावान, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष जिनके साथ एक महीने के लगभग में एक महीने से शायद दो महीने पहले यहाँ के प्रदेश जो जिला अध्यक्ष बने वो, मैं सोच रहा था कि नौजवान को जिला अध्यक्ष बनाने का अभिप्राय क्या है, अभी मुझे महसूस हो रहा है जो महीने से मैं इन छह विधानसभा में घूम रहा हूँ, लगता है कि हमारे ऐसे जो है ऊर्जावान जो जिला अध्यक्ष हैं, राजेश गुर्जर जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, श्रीमती रमा चोपड़ा जी जिला प्रमुख, श्रवण सिंह जी पगड़ी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदीप सांगवान जी जो एक हरियाणा का जो लठ है, हरियाणा का लठ मशहूर है, और सांगवान जो उसको लेके यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित है, कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदीप जी सांगवान, बाकी मंच पर बैठे हुए सभी जो है सामान्य कार्यकर्ता नेतागण, कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी के पिताश्री
माता श्री, बाकी जो जितने भी वहां देख रहा था मैं, यहाँ पर बड़े बड़े जो फौज के ऑफिसर, यहाँ पर जो है चुने हुए नुमाइंदे, हमारे पंच है, सरपंच है, बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, मैं राजस्थान पहले भी आया, लेकिन इस प्रकार इस बार तो विशेष तौर पर जिस तरीके से मैं एक इलेक्शन के लिए आया, तो मैं जम्मू कश्मीर का और भारत का एक संदेश आपको जो है देने चाहता हूं। ये चुनाव आपके लिए राजस्थान का चुनाव हो सकता है, जिस प्रकार की यहाँ की समस्याएं गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से 5 सालों में कोई कसर नहीं छोड़ी इसको राजस्थान को नीचे जमीन के नीचे ले जाने के लिए, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे यहाँ की इज्जत की बात हो, चाहे नौजवानों के साथ यहाँ पर जो खिलवाड़ हो, कई प्रकार की बातें हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा जो यहाँ के स्थानीय नेता उसकी बात कहेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक मैसेज देगा, एक संदेश देगा। ये 2024 का प्री फाइनल है, सेमीफाइनल खेल रहे हैं हम, इसके बाद देश के इलेक्शन होंगे 2024 के, और जम्मू कश्मीर के भी चुनाव होंगे। हम यहां हैं हमारे बाकी साथियों के साथ, कश्मीर के नेता महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और बाकी हुर्रियत के लोग, वो यासीन बने, किस प्रकार के लोग यहां देख रहे हैं कि यहां के भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता वहां पर क्या कर रहे हैं उनको पता है। और यहां पर कई प्रकार की जो समस्या उठा रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के मोदी के नेतृत्व में क्या हुआ उसको उठा रहे हैं, और 9 साल में क्या हुआ उसकी बातें हो रही हैं। राजस्थान का यह चुनाव जो है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 9 साल की नीतियों के ऊपर मोहर है। यह बटन जो है राजस्थान की सरकार बनाने के लिए बटन नहीं होगा, वो तो करेंगे आप, वो मुझे जो जिस प्रकार के सवाल, जिस प्रकार की एक हवा चल रही है वो तो करेंगे ही आप, लेकिन एक संदेश देंगे कश्मीर को, संदेश देंगे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को संदेश देंगे कि नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया, 370 से समाप्त करके 35 समाप्त करते, क्या राजस्थान उस पर मोहर कितना जोर शोर से उसके ऊपर स्टैंप लगा रहा है, उसका जो मोहर लगा रहा है, यस जो है संदेश जाएगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर ऐसा प्रदेश है, 2014 से पहले वहां पर 30 सालों में जब से उग्रवाद और लगावाद था, 42,000 लाशें उस है उस धरती पर गिरी हैं, जो लाशें वो गर्म लहू वहां पर गिरा, उसमें राजस्थान का भी लहू है, राजस्थान का भी लहू है उसमें, हमारी सीमा के ऊपर राजस्थान के रणबांकरों ने वहां भारत माता की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर जो मुकुट बनी है उसके रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। यह किसका कारण था, कौन इसके लिए जिम्मेदार था, इसके लिए जिम्मेदार था कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू और उसका परिवार, जो अभी जो है इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं देख रहा था एक दो खेल जो है मुस्लिम लीग करती थी 1940 से पहले, जब पाकिस्तान बनने की बात थी, वही खेल कांग्रेस जो है भारत में कर रही है, जातियों के आधार पर जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जो है इस देश को बांट रही है, रीजनल आधार पर छोटे छोटे टुकड़ा करने के लिए जिस प्रकार से कोशिश हो रही है, उसके भुक्त भोगी भाई और बहना हम हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 18 जुलाई 1992, एक श्रीमती का बड़ा भाई विजय सिंह, जैसे आपके लंबे लंबे जवान होते हैं, यहाँ पर 6 फुट 2 इंच, डोडा में 18 जुलाई 1992 को जो है पैरिस के लगता रुता शहीद हो गए। मैं एक परिवार की कहानी बताऊंगा और इनको परिवारों की या घर घर की कहानी है, वहां पर मेरे जो इलाज है ससुराल है वो पीओजे के में, प्लंदरी है, तहसील है जो पीओजे के में, 35
लोग वहां के मारे गए थे, वहां 35 लोग। जब हमला हो गया पाकिस्तानी आर्मी ने कबाड़ियों के हमला कर दिया तो हम सुनते थे राजस्थान में जोहर होता है, जोहर होता था। मैं इतिहास का बेटा, जब इतिहास का मैं प्रोफेसर था, मैंने अपने बच्चों को लेकर राजस्थान का चक्कर लगाया था। मैं वहां जाके चित्तौड़ में जाके वो जो मैं स्थान देखा जहां पर हमारी माता बहनों ने उस समय के समय जोहर किया था, ऐसे ही उस समय जम्मू कश्मीर के हमारे उस परिवार ने अपनी औरतों को तलवारों से काटा कि कहीं वो जो विधर्मियों के हाथ में न चढ़ जाए। और किस प्रकार से कुर्बानियां दी। मैं पीछे मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम में किश्तवाड़ में दिया, जो डोडा में था, एक परिवार में दिया, तेजराम ठाकुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वहां के उनके जो है ड्राइवर थे, उनके 3 बेटे, एक बेटा जो चाइना से लड़ता लड़ता हुआ नॉर्थ ईस्ट में वहां शहीद हुआ, दूसरा बेटा जो फौज में था जो बीमार हो गया वहां उसकी डेथ होगी, सर्विस में डेथ होगी, तीसरा बेटा जो सिविलियन था वहां पर जो है एक बस को हाईजैक कर लिया गया, उस नौजवान ने दो टेरिस को जो है अपने बांध लिया, अपने ऐसे जकड़ लिया, तीसरे ने उसको गोली मारी और उसको वहां शहीद कर दिया। तेजराम ठाकुर जी ने तीनों बेटों की अपने संस्कार अपने हाथों से किया और उसके बाद 2004 में वो भी दुनिया से चले गए। ये भाइयों बहनों के धरकर की कहानी है, ये कहानी है जो कहानी आज बदली है। वहां पर आज जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं है, वहां बंद नहीं है, वहां पत्थरबाजी नहीं है, वहां पर आज 1,80,00,000 जो है पुलिस पीछे गया है। तो मैं कहूंगा कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जम्मू कश्मीर में क्या शांति कैसे आई। आज पीओजे के मैं अगर सोशल मीडिया पे वो कहते हैं भारत में जाना है, तो जब मैं नारा लगाता हूँ जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा उसको भी लेना है, उसके लिए चुनाव है, उस चुनाव के लिए हमने जो है जनरल राज्यवर्धन राठौर जी को जिता के जाना है और 26 मजारती से बहुत बड़ी बाजार से जीत के जाना है। हमारे कृष्ण प्रसाद मौर्य जी जिस किस भी सभा में जाते हैं, जहां जहां भी जाते हैं वो जीत के आते हैं और उनका बहुत बड़ा रोल बनता है। इस प्रकार की बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, और ये शुभ दिन भी है, ये शुभ मुहूर्त भी है। इसी मुहूर्त के साथ यही मैं ज्यादा बात ना करता हुआ मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप जो राज्यवर्धन जी ने पगड़ी मेरे सिर पर कश्मीर के सिर पर पहनी है, इसकी इज्जत रख के पूरे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को जो संदेश दे, राजस्थान सूरमियों की धरती, वो कुर्बानियों की धरती जिन्होंने हर कंकण जिसकी कुर्बानियां देता है उसका आप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होकर उनके हाथ मजबूत करें और जो है यहां से भव्य जो है जीत दिलवा के राज्यवर्धन जी को चिता के भेजे और जब राजस्थान में अपनी सरकार बनाए। यही कहता हूं, अपना कथन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब मैं उद्बोधन की अगली कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए या उपस्थित झोटवाड़ा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, अपनी बात रखें। श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य साहब, जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन करें। अब इधर आओ भाई साहब, आप इधर आओ। हम ये सीसी कोऑर्डिनेट कर देंगे अपन फोन से। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग इतना जोर से जयकारा करिए कि चाहे आज तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी छत्तीसगढ़ में हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, और चाहे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र हो, सब तक यहाँ की गूंज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता
की, और अयोध्या नाथ को संदेश जाना चाहिए जय श्री राम के नाम के साथ। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय सांसद, देश के जाने माने भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आपने जिता करके भेजा था, मैं भी 2014 में सांसद था, तो दोनों लोग साथ साथ बैठते थे। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ जी को मैं एडवांस में आपकी ओर से बधाई दे सकता हूँ, दोनों हाथ में बधाई दे सकता हूँ, मैं अग्रिम बधाई देता हूँ ऐतिहासिक विजय के साथ। जयपुर में राजस्थान की विधानसभा में प्रवेश करें, और एक बात और कहूंगा, आप सब लोग तो इन्हें यहां से अपना विधायक बना करके भेजोगे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, वह क्या बना करके आपके बीच में भेजेंगे, इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। हमारे मित्र जम्मू कश्मीर में उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी का आपने उद्बोधन सुना है, मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं और गर्व करता हूं कि अगर आप सबने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आतंकवादियों की गोलियों से डरे बगैर जम्मू कश्मीर में लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब राजस्थान ने 25 के 25 सांसद देकर के देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम किया, शायद धारा 370 हटाने का मौका नहीं मिलता। मैं आदरणीय निर्मल जी आपका बहुत हृदय से बधाई भी देता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के अध्यक्ष तेजस्वी वक्ता, अभी हमने सुना उनको, श्री राजेश गुज्जर जी जुझारू नेता हैं, प्रारंभ है भी हमारे अध्यक्ष हैं, ये शुरुआत है, बहुत आगे तक उनकी अध्यक्षता में अब विजय की माला इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतने बड़े अंतर की होनी चाहिए कि लगे कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद जब अवसर उन्हें मिला तो आप सबका सहयोग मिला। हमारे जिला प्रमुख आदरणीय बहन रमा चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और संचालन कर रहे श्रवण सिंह बागड़ी जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी प्रदीप सांगवान जी, हमारे पूर्व प्रदेश मंत्री एवं पूर्व बानसूर प्रत्याशी महेंद्र यादव जी, और आज कांग्रेस में धड़धड़ मच गई है, आपने देखा है ना, अभी अनिता बहन यहां पर भाजपा परिवार में शामिल हो गई, तो कांग्रेस में धड़धड़ मच गई। मंच पर मेरे बाई और वहां पार्षदगण बैठे हैं, यहां पार्टी के पदाधिकारी सभी नेतागण बैठे हैं, यहां सामने मेरे पिता समान तमाम बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति यहां पर विराजमान है, मेरे पत्रकार मित्र, मेरे युवा साथियों, मैं आप सबके बीच में जब आज आ रहा था तो जब जयपुर आता हूं तो यहां आने के बाद भगवान राधा गोविंद देव जी को अगर प्रणाम ना किया जाए तो सब कुछ अधूरा रहेगा। अगर यहां पर मोती डोगरी के गणेश जी का भी दर्शन मैं परसों ही करके गया, मैंने सोचा देखिए कैसी कृपा है, उनकी जय जयकार करता हूं, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं। मैं शिला माता के भी दर्शन करके आया हूं, अभी परसों दर्शन किया हूं, आज भी प्रार्थना किया हूं। हमारे सामोद के हनुमान जी महाराज, खोले के हनुमान जी महाराज, रामदेव जी महाराज और जयवीर तेजा जी महाराज की, अजय देव नारायण भगवान की, बोलिए जय जय जी महाराज की। आप सभी, क्योंकि यह देव भूमि है, यह वीर भूमि है, यह त्याग भूमि है, यह संघर्ष भूमि है, यह पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है।
और राजस्थान का कितना सम्मान। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे प्रदेश से 80 सांसद चुने जाते हैं, 80। विधानसभा में हमारे यहां 403 विधायकों की विधानसभा है, लेकिन विधानसभा की चर्चा मैं इसलिए नहीं करता हूं, लोकसभा की चर्चा करता हूं। एक मामले में हम आपसे पीछे रह गए। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी, पूर्ण बहुमत की बनानी थी, 272 प्लस का नारा दिया गया। 2019 में दूसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी थी, 300 पार का नारा दिया गया, लेकिन एक बात में राजस्थान ने सफलता हमसे ज्यादा प्राप्त करने का काम किया। हम 80 में से 2014 में 73 सांसद जिता पाए थे, आपस 2014 में 25 के 25 सांसद जिताने का काम। 2019 के लोकसभा चुनाव में हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा कांग्रेस सब मिल गए, लेकिन इसके बावजूद 80 में से हम 64 एवं छाछर जीत चुके हैं। दो उपचुनाव हुए वो भी जीत चुके, छाछर दे पाए, लेकिन आपने 2019 में भी 25 के 25 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। और आज 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये 2023 का ही चुनाव नहीं है, ये 2024 की शुरुआत है, 2024 की शुरुआत है। अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो जहां हुए बलराम मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वह सारा का सारा पाकिस्तान के कब्जे वाला भी, वह सारा का सारा कश्मीर हमारा है। वह नारा लगाने का साहस हम लोग कर पाते क्या? अगर आपने 25 के 25 सांसद जिताए जिसमें आदरणीय कर्नल राजवर्धन राठौड़ जी भी हैं, उसके कारण माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को ताकत मिली और धारा 370 सदा 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 के लिए समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर 500 साल से लड़ाई चल रही थी, 500 साल, 5 शताब्दी, लेकिन राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं हो पाए थे। आपके एक एक वोट की ताकत के बल पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद वहां भगवान राम लला विराजमान हो रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, तुम तो मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे। मैं आपको आह्वान करने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ, जब राम लला विराजमान होने जा रहे हैं तो इन रामद्रोहियों की सरकार को वो राजस्थान की धरती से सदा सदा के लिए बर्खास्त कर दीजिए, फेंक दीजिए। मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अखबार, राजस्थान के अखबार, राजस्थान के काले कारनामों से भरे रहे तो समझ में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो अखबार छपते हैं, यहां जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को लेकर के अपराध हो रहा है, अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचारियों को कांग्रेस की सरकार का संरक्षण मिलता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र जाप करते हुए अपराध करने वाले को बख्शते नहीं है। अभी मैं बैठा था अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, उस समय अगर राजस्थान के लोग मेरे वृंदावन में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आते थे, अगर रात हो जाती थी तो राजस्थान की सीमा में रुक जाते थे। लेकिन आज आप सब कोई भी राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी राज्य का भगवान राधा रानी सरकार का, भगवान श्री कृष्ण का भक्त अगर
मथुरा जाना चाहे, अयोध्या जाना चाहे, काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाए तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में कोई डरता है, उत्तर प्रदेश में कोई डरता है तो अपराधी डरता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई डरता है तो माफिया डरता है, उत्तर प्रदेश में अगर कोई डरता है तो आज मैं राजस्थान के कारनामे सुनता रहता हूं, यहां भर्तियों में घोटाले हो रहे कि नहीं हो रहे। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता है, वोट बैंक की राजनीति के लिए मेरी माताओं बहनों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों का संरक्षण करने वालों को सत्ता में रहना चाहिए क्या? मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही कहना है, हम इस देश की अभी नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम पूरे दिन हमारे पुत्र अभी आपके यहाँ चुनाव चल रहा है नहीं हुआ है, लेकिन देश का नया संसद भवन बना और देश के नए संसद भवन में सबसे पहला कानून जो बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, मेरी माताओं बहनों को 33% आरक्षण के साथ 33% आरक्षण के साथ शुरुआत किया। और यहां पर राजस्थान हो चाहे वहां छत्तीसगढ़ हो, रोज घोटाले की खबर, रोज भ्रष्टाचार की खबर, अरे प्रतिभाओं के साथ अन्याय, भर्ती के आयोग है कि घोटाला के आयोग है, क्या हो रहा है? आपके हाथ में आज ताकत है, मुझे पूरा विश्वास है 3 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी और 25 तारीख को आप मतदान करने के लिए अपने अपने मतदान केंद्र पर जाओगे, एक संकल्प लेकर के जाना। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, लगातार दूसरी बार। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कार्यकर्ताओं से भी जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अपना आशीर्वाद दीजिए मेरे नौजवानों को, मेरी माताओं बहनों, आज ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, पार्टी ने मुझे राजस्थान का स्टार प्रचारक तो जरूर बनाया है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हमारी मातृशक्ति है, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान हैं, और आप सबने जिस प्रकार से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा की है उसको मैं भी जानता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां हम 14-15 वर्ष तक सत्ता से बाहर हो गए, 40-50 की संख्या में विधानसभा में हमारे सदस्य होते थे, केवल 10 सांसद होते थे, लेकिन आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 2017 में आदरणीय राजमन राठौड़ जी उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जब वहां भाजपा के हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे तो राजस्थान से आप भी उत्तर प्रदेश में गए थे, और मैं ये आपको बता रहा हूं उस समय हम 325 विधायक जीते थे, हमारे 325 जीते थे 403 में। जब भी चुनाव होता है तब आप आते हैं, आज मुझे भी आने का मौका मिला है, मैं आप सब लोगों से यहां यही प्रार्थना करने के लिए, अपील करने के लिए आया हूं और निमंत्रण भी देने के लिए आया हूं। आप सोचिए काहे का निमंत्रण, 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे, अब आप सब लोगों को 22 जनवरी के लिए तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि 22 जनवरी को वहां भीड़ बहुत हो जाएगी, लेकिन 22 जनवरी के बाद जब रामलला 500 साल के बाद अपने उस जन्म स्थान पर जहां विराजमान होने के लिए कई संघर्ष हमारे पुरखों से लेकर के वर्धमान तक लड़े, उस संघर्ष में 3.5 लाख से अधिक हमारे राम भक्तों का बलिदान हुआ है, 22 जनवरी के बाद आप आदरणीय राठौड़ जी के साथ अयोध्या आइए रामलला का दर्शन करने। मैं स्वयं वहां उपस्थित रहकर के आप सबका स्वागत करूंगा, आप में से जो लोग हो वो भी आइए और जो यहां नहीं है उनको भी लेके आना चाहे तो उनको भी लेकर के आइए। देश को अगर बचाना है तो कांग्रेस को मटिया मेट करना, कांग्रेस को मिटाना है, मिटाना है कि नहीं मिटाना है? इस देश के अंदर अगर आज
भ्रष्टाचार है इस देश के अंदर। देखिए आप सबको बहुत ताली के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करिए। हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो मंत्री हैं जम्मू कश्मीर चाहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर आए हैं खड़े होकर के तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जरा एक बार स्वागत कर दीजिए। भारत 370 हटवा करके आए हैं आतंकवाद को के फल को कुचलने का काम करते हुए आए हैं। बैठ जाइए सब लोग। लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन इस देश में अगर भ्रष्टाचार है, इस देश के अंदर आतंकवाद है, इस देश में अगर तुष्टीकरण है, इस देश के अंदर अपराधियों का संरक्षण हो रहा है या राजस्थान में हो रहा है, अगर इनकी सबकी अम्मा है तो कांग्रेस है, ध्यान रखना। इसको लेकर के कोई भ्रम मत रखना। ये बड़े बड़े घोटाले 12 लाख करोड़ का घोटाला किए थे जब 2014 तक के सरकार में थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा रहा है। राजस्थान भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ उठा के बताइए। होना चाहिए कि नहीं, जोर से बोलिए। तो उसके लिए आपको मेहनत करना है। 24 तारीख तक 25 को मतदान है मुझे बताया गया यहाँ पर। 24 तारीख तक आपको मेहनत करना है, परिश्रम करना है। और मैं एक ही नारा लगाया करता हूं जहां जाता हूं, 24 तारीख तक जाइए सब कुछ भूल, 25 तारीख को हर बूथ पर गिरा दीजिए कमल का। इस चुनाव में जाइए सब कुछ भूल। याद रखिए वो बड़ी सी फोटो दिखाई दे रही है, कहां है भाई? याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी जी और कमल का। क्या याद रखना है? 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अपना चुनाव निशान कौन सा है? कमल का फूल। और कमल का फूल खिलाने के लिए आप सबको मेरा बूथ सबसे मजबूत का संकल्प लेकर के अपने अपने बूथ में जाकर परिश्रम करिए। कोई कांग्रेस में रहना नहीं चाहता, कोई कांग्रेस वोट देना नहीं चाहता। बताओ देना चाहता कोई? क्या हो, दोनों हाथ उठा बताओ, कोई देना चाहता है क्या? कांग्रेस को कोई वोट देना नहीं चाहता। कमल को वोट देने का मतलब है विकास की गंगा बहाना। अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी जैसे यूपी में हो रही है कि नहीं? खबर आती है कि नहीं आती है? सबसे बड़ा अपराधी हो आज थर 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 कांपता है। क्यों कांपता है? इसलिए कांपता है कि उसको मालूम है कि अपराध करेंगे तो सत्ता का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। आज हमारे प्रदेश में तो इतनी भारी संख्या होगी जो जमानत करा करके बाहर आए थे, अब जमानत निरस्त करा करके जेल में चले गए। ये अंतर होता है जहां कानून व्यवस्था होती है। राजस्थान की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, आम आदमी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। जिस राजस्थान का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता था, आज उस राजस्थान का उदाहरण देने के लायक नहीं छोड़ा है कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार, अपराधियों का संरक्षण करने वाली सरकार, गरीबों का शोषण करने वाली सरकार, महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली सरकार, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करने वाली सरकार, नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ठोकने वाली सरकार। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की मैं आप सबसे अपील करते हुए, बहुत सारी बातें हैं आप सब जानते हैं, राजस्थान की कोई बात मैं बताऊंगा तो लगेगा कि मैं सूर्य भगवान को दीपक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जितना मैं जानता हूं उससे ज्यादा आप जानते हो। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं 25 तारीख को मतदान करिए, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती हो, तो वोटों की गिनती में राजवर्धन सिंह राठौड़ जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने चाहिए। जिताओगे? दोनों हाथ राज सब लोग बताओ, जिताओगे? सबसे बड़े अंतर से जिताओगे? सबसे बड़े अंतर से जिताओगे? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये ध्यान रखना,
विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? लक्ष्मी जी की। और लक्ष्मी जी कम हाथ के पंजे पर बैठ करके नहीं आती हैं, वो कमल के फूल पर बैठ करके। इसे कमल का फूल खिलाइए और विकास के लिए शायद जितना आप सोचे होंगे उससे कई गुना अधिक हमारे आदरणीय राजवर्धन जी इस क्षेत्र के विकास की गंगा बहाएंगे, राजस्थान प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है अगर उन्हें सांसद रहते हुए विधानसभा का टिकट दिया है तो केवल विधायक बनाने के लिए टिकट नहीं दिया है। यह ध्यान रखना और यह ध्यान रख करके 25 नवंबर दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूं, क्योंकि मैं रामलला के विराजमान होने का तो जनवरी में समय है। 2023 में आप राजस्थान में सरकार बनाएंगे तो तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए मैं एक विश्वास आपको जरूर दिला करके जाऊंगा, आप 25 में से 25 सांसद जिता करके 14 और 19 में दिए थे और 2024 में हम 80 में से 80 सांसद जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। या विश्वास दिलाते हुए एक बार फिर से आप सबने मुझे ध्यान से सुना, आदरणीय डॉक्टर साहब आ गए हैं, आदरणीय राजवर्धन जी को भी आपको सुनना है, मुझे पार्टी का निर्देश है एक और नामांकन के कार्यक्रम में जाना है, मैं आप सबको करता हूँ सादर प्रणाम। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकर्ता जो प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं, 6 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का। 10 साल आपने जयपुर ग्रामीण में मुझे सांसद बनाकर जो आशीर्वाद दिया, सबसे पहले मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, नतमस्तक होकर आपको सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाजुओं को आपने 10 साल ताकत दी और पूरे राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सांसद वहां पर पहुंचाए, एक बड़ा कीर्तिमान राजस्थान ने हासिल करा। लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर दोनों पहिए जब काम करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। किस तरह से पिछले 5 साल खिलाफत रही आप मुझसे बेहतर जानते हैं, किस तरह से राजस्थान की भूमि में, मेरे अभी भी सोचने से भी रोंगटे खड़े होते हैं कि राजस्थान की भूमि में वीडियो बनाया गया, कन्हैया की गर्दन काटी गई, वो भी राजस्थान की भूमि में। क्या हमें ये स्वीकार है? क्या राजस्थान को यह स्वीकार है? राजस्थान के अंदर 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ पिछले 5 साल के अंदर, क्या स्वाभिमानी राजस्थान को यह स्वीकार है? 7,700 महिलाओं की हत्या करी गई राजस्थान के अंदर, क्या राजस्थान को स्वीकार है? इनके सचिवालय के अंदर फाइल नहीं मिलती, सोना मिलता है, करोड़ों रुपए मिलते हैं, राजस्थान के नागरिकों के लिए जो पानी प्रधानमंत्री मोदी जी घर घर पहुंचाने वाले थे उसके अंदर भ्रष्टाचार होता है। एक नेक आदमी भी प्याऊ लगा लेता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन ऐसी भ्रष्ट निगमी कांग्रेस की सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब समय आ गया है कि 25 नवंबर को फिर से दशहरा मनाएंगे, क्योंकि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करनी है हमें, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत दर्ज करने का यही समय है। और मैं जानता हूं राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है। अभी केशव जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ चर्चा हो रही थी, जनता का मूड क्या है, पूरी राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस का कोई भी खिलाड़ी आए उसका विकेट आउट होना तय है। अभी मैं आपको कह रहा था 6 दिसंबर आखिरी दिन है नामांकन का, आज 4 दिसंबर है, 4 नवंबर है, 6 नवंबर आखिरी दिन है नामांकन का, 2 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस का खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरा। ये आपकी ताकत है, ये मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है ये। आप घर घर मोहल्ला हर व्यक्ति को पहचानते हैं, इस बार भगवा रंग पूरे झोटवाला नहीं, पूरे राजस्थान में हो रखा है।
हम उनके अब उनके अनुयायी हैं। जो एक बार जिस स्थान पे खड़े हो जाते हैं वहां से हिलते नहीं है, जो बात कह देते हैं वो करके रहते हैं। जब बोला धारा 370 हटाएंगे तो धारा 370 एक दिन के अंदर हटा दी। जब बोला रामलला मंदिर स्थापित करेंगे तो राम मंदिर स्थापित कर दिया। आज यहां से ललकार हुई है, मैंने नहीं करी, लेकिन मैं उसमें शामिल हूं। मैंने नहीं करी ललकार, यहां निर्मल जी ने ललकारा, यहां से केशव मौर्य जी ने ललकारा, और उन दोनों ने कहा कि जो कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है उसको भी हम हिंदुस्तान में शामिल करके रहेंगे। बोलो भारत माता की। केशव मौर्य जी के बाद जोरदार ताली बजाइए, धन्यवाद दीजिए उनको, अगले कार्यक्रम में उनको जाना है। 10 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करा, उससे पहले भारतीय सेना में 27 साल रहा, 12 साल भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय खेलों में खेला। जो काम करा 100% करा, जम के करा। अब यहां पर भी आया हूं, अगर विधायक बनने आया हूं तो जम के विधायक का काम करेंगे, और झोटवाड़ा के अंदर जो पिछले 15 साल में काम नहीं हुआ वो अगले 5 साल के अंदर काम करके दिखाएंगे। जिस तरह की समस्या यहां पर है, वैसे तो मैं हर कॉलोनी में हर वार्ड में जाकर आप सबसे लगातार मिल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है नामांकन सभा के अंदर ये बताना जरूरी है कि कब तक ये हाई टेंशन वायर ऐसे ही रहेंगे, कब तक ऐसे ही रहेंगे। इसका समाधान कहीं ना कहीं होना है, और एक मजबूत सरकार वही होती है जो समस्याओं का समाधान करती है। हाई टेंशन लाइन ऊपर से निकल रही है, नीचे सड़कें नहीं बनी हुई, किसी के घर जाते हैं तो धूल उड़ती है। मैंने प्रागपुरा पाचूडाला के अंदर सड़क बनाई, प्रागपुरा नरेडा में सड़क बनाई, सीमेंटेड सड़क 33 किलोमीटर की, केंद्र सरकार से बजट लाकर। आज वहां पे लड़के बोलते हैं हमारे रिश्ते आ रहे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी पहले कि अच्छी शानदार सड़क बनेगी तो रिश्ते आएंगे। तो झोटवाड़ा के जितने भी अविवाहित युवा है, झोटवाड़ा के जितने भी शादी के लिए तैयार जो युवा है, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। जिनकी जमीन है ये सारे खुश हो रहे हैं, सारे युवा यहां पर खुश हो रहे हैं। 100% मेरा काम जो रहा है, मेरा जो काम रहा है, मैंने मन से पूरे तन मन से काम करा है, कभी कहीं में भी कोई कोताही नहीं बरती, और मेरा पुराना रिकॉर्ड रहा है। जब मैं 10 साल राजनीति में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा तो जो काम प्रधानमंत्री जी ने दिया उसको 100% वहां पर काम करा, और उसीलिए ना 2014 में मैंने टिकट मांगा, ना 19 में मांगा, ना 23 में मांगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो मेरे जैसा व्यक्ति जिसका दूर दूर से राजनीति में कोई रिश्ता नहीं है, अगर उसको अवसर दे सकती है तो मोदी जी की सरकार, मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। मेरी तो 4 पीढ़ियां सेना में रही हैं। पहला विश्व युद्ध मेरे परदादा ने लड़ा, दूसरा विश्व युद्ध मेरे दादा ने लड़ा, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई मेरे पिताजी के बड़े भाई, मेरे पिताजी दोनों ने लड़ी। मेरी पत्नी भी सेना में है, और तो और मेरे नाना पुलिस में है, मेरे मामा पुलिस में है, मेरा पूरा का पूरा परिवार सिर्फ इस भारत की रक्षा में लगा है। चाहे बाहरी रूप से रक्षा हो, चाहे आंतरिक रूप से रक्षा हो, तो ऐसे परिवार से कोई आता है तो वो कोई डील नहीं कर सकता। के लिए अनेकों साधक और नवनों कौन कौन सी नई योजनाएं मोदी जी लाए हैं, और वो धरती पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा है? ये जाकर के हमने पूछा, जब हमारा यहाँ मुख्यमंत्री होगा, जब हमारी सरकार होगी तो एक जवाब तो ही होगी, जो स्कीम सेंटर से आएगी, केंद्र से आएगी, किस हद तक धरती पर उतरी है, उसकी जवाब हिसाब किताब मोदी जी लेने की स्थिति में होगी। ऐसा नहीं है, अब देश भर में आयुष्मान भारत से इतना लाभ हो रहा है, यहाँ पर उसकी भी अभी उस तरह से पर्याप्त रूप से उसको उतारने का काम नहीं है। तो क्या, और जहाँ भेदभाव की बात हो रही है,
जो मोदी जी ने परिवारों में घना गया, सबके क्षेत्र बांटे, तो ये नहीं पूछा कि घर हिंदू का है, मुसलमान का है, ठाकुर का है कि ब्राह्मण का। कहीं आपने सुना किसी समाचार पत्र में पढ़ा? लेकिन यहाँ पर किस मोहल्ले में पानी का नल लगाना है, किसमें नहीं लगाना है, इसमें भी राजनीति। तो इन सब बातों से निजात हासिल करके अगर हमने भारत की मुख्य धारा का हिस्सा बनना है, भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना है, जैसे मोदी जी कहते हैं अमृत काल में प्रवेश करते हैं, स्वर्णीय काल की ओर बढ़ रहे हैं, अगर राजस्थान को भी उस कारवां का हिस्सा बनाना है, तो हम सब के लिए एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, कमल के निशान पर मोहर भी लगाए और यहाँ से कर्नल साहब को जिता करके भेजे। और अगर नामांकन का समय होता जा रहा है, बहुत लंबी बात नहीं करनी, मुझे विश्वास है इससे भी बड़ा आयोजन होगा 3 दिसंबर को, और आपके बीच में आऊंगा मैं, और उस दिन कर्नल साहब के सर पर सेनापति का साफा होगा, पगड़ी होगी, और हम सब उस विजय उत्सव को मनाते हुए राजस्थान को भारत की विकास यात्रा के हिस्से में ले जाने का एक संकल्प करके आगे बढ़ेंगे। आप सबको यही कहकर के शुभकामनाएं, 25 नवंबर को 100% हमारा मतदान हो और एक